नमस्कार, आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 और आपके साथ अगले आधे घंटे के इस सफर में मैं याशु गांधी। सफलता की एक बहुत खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं अपने आज के इस सेशन की शुरुआत, जिसमें हमारा जो आज का विषय है वो है साइंस क्लास 10th, और जो विषय है वो है आर एनवायरनमेंट, हमारा जो आसपास का परिवेश है वो। और इसको विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले मैम से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं मिस स्मृति यादव। मैम, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। थैंक यू मैम। TGT इंग्लिश आर्मी पब्लिक स्कूल से हमारे साथ हैं। और मैम के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपके पास नोट होंगे। अगर नोट नहीं है तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं, 8800440559। आप इनके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो ईमेल पता है उसके माध्यम से भी अपनी कोई भी क्वेरीज है वो साझा कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो बिना देर करते हुए फटाफट से बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपने इस सेशन की शुरुआत। स्मृति मैम, हमारे क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिना देर किए आप, ओवर टू यू मैम। Good afternoon, students. Today we are going to be discussing a very important chapter of class 10 science, that is our environment. आप सबने ये word environment तो बहुत बार सुना होगा। It's a very umbrella term. इसको हम बहुत सारे जगह पे use करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपके teachers भी आपको बोलते हैं that you should have a good environment if you want to study effectively. आपके आसपास का environment बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आपके जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स, दे मस्ट बी सेइंग, आपने सुना होगा कि आजकल का एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, एनवायरनमेंट बहुत बदल गया है। और आपने बड़े बड़े साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, प्रोफेसर्स, इन सबको भी सुना होगा कि द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वी नीड टू प्रिजर्व आर एनवायरनमेंट, वी नीड टू कंजर्व आर एनवायरनमेंट। बहुत सारे बड़े बड़े सबमिट्स, मीटिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज की जाते हैं बाय द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप नेशंस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आर एनवायरनमेंट। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू understand. Now, particularly in this session, we'll be discussing about the components of environment. कैसे ये components of environment एक दूसरे से interrelated हैं, what are the effects the environment does on this component, and what are the effects these components are doing on the environment. And then after, we'll be discussing about कि we as humans, what are the impact that we are doing on our environment. सबसे पहले समझते हैं exactly a definition that what is environment. Now, environment क्या consist करता है? आपका all the surrounding which is present around you. इसमें दो type के components present होते हैं, that is your biotic component and your abiotic component. Now, we'll be discussing about biotic component and abiotic component a little later in the session only. Now, let's look at the next topic, that is ecosystem. Now, what is ecosystem? जब आपका biotic and abiotic component interact करता है, या ये जब एक साथ interaction होता है, that is known as your ecosystem. When your biotic and abiotic component they are interacting, then life sustain होता है। उसी की वजह से आज हमारा earth पर living organisms are present, non-living things are present. So we can say that ecosystem क्या है? It's self-sustaining and it's the functional unit of biosphere. As you can see in the image, there are different types of ecosystems on our planet Earth. That is forest ecosystem, desert ecosystem, aquatic ecosystem. So, ye different types of ecosystem hai jo hamare planet Earth pe present. Now, there are two types of ecosystem. Now, what are these two types of ecosystem? Hamare paas ek natural ecosystem hai and hamare paas ek artificial ecosystem hai. Here I have few examples of your natural ecosystem and artificial ecosystem. So, aapke natural ecosystem mein kya aayega? Grassland, ponds, and artificial ecosystem mein kya aa jata hai? Aquarium, zoo. Now, let's talk about these ecosystem one by one. Now, what is a natural ecosystem?
इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड नेचुरली, यहाँ पर ह्यूमंस का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता. दे हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन. इसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, विच इज योर नेचुरल इकोसिस्टम. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स, रिवर्स, सी, ओशंस, ऑल ऑफ दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. इनमें ह्यूमंस में कोई इंटरवेंशन नहीं है, इनमें मैन मेड कुछ भी नहीं है. हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ योर नेचुरल इकोसिस्टम. फॉरेस्ट, डेजर्ट, मरीन, ये सब आपके नेचुरल इकोसिस्टम है. नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नाउ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसा कि नेम सजेस्ट, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज मैन मेड. यहाँ पर फुल इन्वॉल्वमेंट आपका किसका होता है? ह्यूमन्स का होता है. जैसे आपने देखा होगा, आप सब अपने घरों में गार्डन्स बनाते हैं, स्मॉल गार्डन और अ बिग गार्डन, बट वहां पर क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन है. दीज गार्डन्स आर मैन मेड. Aquariums, where fishes or aquatic organisms are present, these are also man-made. And one of the largest artificial ecosystem which is made by humans is your agro ecosystem. Now, what is agro ecosystem? जहाँ पर आप agriculture की activity को carry on करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम artificial ecosystem. Now, here also I have few example. Garden, आपका agricultural field, zoos, these are all examples of artificial ecosystem. Now talking about the components of ecosystem. अभी हमने देखा था that ecosystem is made up of two very important components, that is your abiotic factors and your biotic factors. Now what is abiotic factors? Abiotic factors मतलब non-living things. Now these abiotic factors are again divided into two types. You can see in the flow chart. The first one is climatic factors and the second one is edaphic factors. Now, what is edaphic factors? इसमें आपका soil, minerals, salts, pH, ये सब आ जाता है. एंड आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या आते हैं? जो क्लाइमेट से इफेक्ट होते हैं, जैसे रेन, टेम्परेचर, थंडरस्टॉर्म, लाइट, विंड, ये सब आपके किस में आते हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स में. ऑल दीज कम अंडर व्हाट? एबायोटिक फैक्टर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. Now let's look at these factors one by one. Now the first one is abiotic factor. Now abiotic factor में जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो parts में divided है, climatic and आपका adaptive. Now climatic is rain, temperature, wind, ये सब जो भी है, ये आपका किसमें आएगा? Humidity, water, all this comes under what? Your climatic factors. Now what is abiotic adaptive factors? These are soil, pH, minerals, salts, temperature, all these comes under your abiotic factors, edaphic factors. Now let's look at the biotic factors. Now biotic factors, as I told you, it consists of three parts. Now what is the three parts? First one is producers. Now as the name suggests, producers क्या है? जो खुद अपना food prepare कर सकते हैं, जो खुद अपने food को produce करते हैं. And इसका example क्या है? Plant, blue green algae, या आपने lower classes में पढ़ा होगा. Now what are consumers? Now these consumers, as the name suggests, कुछ consume करेंगे. Now these consumers, they depend on the producers or lower consumers for their consumption of food. Now this consumer is also divided into three types. Now what are these three types? आपका primary consumers, secondary consumer and tertiary consumers. Now the last part is a decomposer. Now what is decomposer? Decompose करना, किसी चीज को simpler parts में break down करना. So when the producers and consumers, इनके जो dead remains होते हैं, इनको जो consume करते हैं या इनपे जो feed करते हैं, they are known as decomposers. Now here I have examples, you'll understand a little better. आपके producers में क्या आता है? All the green part of the ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन पार्ट ऑफ जो भी आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, ट्रीज, प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स. देन वी हैव कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के भी थ्री टाइप्स है, योर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. एंड देन द लास्ट वन इज योर डिकम्पोजर्स, जो कि जब ये प्राइम जब आपके जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स they feed on producers and consumers dead remains, that is known as your decomposers.
Now, talking about next important topic, that is your food chain. Now, as the name suggests, something which is involved with food and chain, aapne dekha hoga, chain kaisa hota hai? That is connected one another, ek ke baad ek connected hota hai. So now what happens, aapke, humare environment mein bhi ek food chain in ki series chal rahi hai. Now what happens in this is that the food chain is how it is defined. हर एक लेवल पर एक एक ऑर्गेनिज्म है. आप एक चेन, इनका जो एक एक पार्ट है उस पे एक एक ऑर्गेनिजम्स को इमेजिन करो एंड हर एक चेन के पार्ट में एक एक ऑर्गेनिज्म है एंड द लोअर द ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है एंड देन अनदर ऑर्गेनिज्म इज फीडिंग ऑन द सेकेंड ऑर्गेनिज्म. सो दिस फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन. सो इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन वी कैन से दैट फूड चेन इज डिफाइंड एज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म. किस ऑर्डर में प्रेजेंट होती है, इसका ऑर्डर होगा सबसे लोएस्ट में होगा प्रोड्यूसर, उसके ऊपर नेक्स्ट में होगा जो उसको कंज्यूम करेगा, उसके नेक्स्ट में होगा जो उसे कंज्यूम करेगा एंड सो ऑन. सेम वे में आपका फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल. और आपकी जो ये फूड चेन है इसमें एनर्जी का ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनल है. ऐसा नहीं है कि एनर्जी का ट्रांसफर टू वे होता है, इट्स ओनली वन वे. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सी हियर, सबसे पहले आपके फूड चेन में कौन है, प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स आर व्हाट, ग्रीन प्लांट्स. यहाँ पर ग्रास का एग्जांपल दिया हुआ है. सो व्हाट हैपेंस, द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर फूड. सबसे पहले उनको कंज्यूम करने कौन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर. हियर वी हैव एग्जांपल में आपके पास ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर ने ग्रास को कंज्यूम किया. उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर. अब वो ग्रास हॉपर पर भी कोई फीड करेगा. Now, who is feeding on the grasshopper? Your frog is feeding on the grasshopper and it is, he is acting as your secondary consumer. Now this frog is also eaten by another consumer which is your tertiary consumer, that is your snake. Snake kis pe feed karte hain, frog ke upar. Now this snake is also again eaten by a hawk, or we can say hawk, eagle, vultures. In pe kaun consume karta hai, ye hamare final consumers hai and ye kis pe feed karte hain, they feed on tertiary consumers. Finally if the hawk vulture dies, then who is going to come and decompose it, हमारे डीकम्पोजर्स, जैसे कि लॉट ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेप्रोफाइट्स आर प्रेजेंट जो कि इन पे फीड करते हैं. नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन. नाउ आपने देखा फूड चेन का डायग्राम. नाउ दिस फूड चेन, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. आपका एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ ही फ्लो करेगा, नॉट द अदर वे अराउंड. हमेशा हमारे फूड चेन में थ्री और फोर ट्रॉपिक लेवल्स आर इम्पोर्टेंट. नाउ व्हाई दिस थ्री फोर ट्रॉपिक लेवल्स आर इम्पोर्टेंट वी विल अंडरस्टैंड अभी अ लिटिल लेटर. द फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट. आप देखेंगे फूड चेन में कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है, फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होती है, एक सिंगुलर या फिर आप बोलेंगे लीनियर पाथ को फॉलो करती है. एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन इन योर फूड चेन. See, for example, you can see here that the different organisms are occupying different places in the food chain. Now, as I told you, that energy transfer hota hai hamara while we are looking at the food chain. Yes, so now, how is this energy transferred? क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर करता है. दिस वॉज गिवन बाय ए रेमंड लिंडमैन. उन्होंने एक 10% रूल दिया था, वी कैन से अ 10% लॉ दिया था. व्हाट हैपेंस और व्हाट डज दिस 10% लॉ सेज, सी फॉर एग्जांपल अगर मैं इजी में आपको समझाऊं, से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स आर देयर, प्रोड्यूसर्स हैज प्रोड्यूस 1000 एनर्जी. ओके, उसने 1000 एनर्जी प्रोड्यूस किया. जो उसका नेक्स्ट लेवल है, जैसे ग्रास, नेक्स्ट लेवल इज व्हाट, योर ग्रास हॉपर विल कम एंड ईट द ग्रास. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड और विच इज प्रोड्यूस्ड वाज 1000, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच विल बी रिसीव्ड बाय द ग्रास हॉपर इज जस्ट 10%. रेस्ट ऑफ द 90% एनर्जी जो प्रोड्यूसर है वो अपने सर्वाइवल, अपने जो लाइफ प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करने के लिए यूज करता है. So only 10% of energy is used. Now what does this mean? You can understand better with this flow chart. Now see here, we have producers at the lower level. Now producers, they are producing 100,000 of energy. Now according to the 10% rule, only 10% of energy is carry forwarded to the next tropic level. So only 10,000 energy is transferred to the primary consumer. And the primary consumer will be consumed by secondary consumer. The secondary consumer, they consume only
they consume them, and what is the amount of energy that they get? They get only 1000 energy. Then the secondary consumer, they will be consumed by tertiary consumer. Now, what is the amount of energy which is received by the tertiary consumer? They will get only 100 energy. Okay, why? Because of the 10% rule, only 10% of energy is consumed. Rest of the energy is used by the secondary consumer for their daily activities. Now, the secondary consumer will be consumed by the apex predators, or we can say the final consumers. And the final consumer, in which we humans also come, they get only 10 amount of energy. So, start kahan se kya tha? Humne 100,000 se. And jab ka final level hai, tropic level ka, wahan tak kitna amount of energy aaya? Only 10. Baaki jitna bhi energy tha, it was consumed by the organisms which are present at the different levels for their daily activities to carry forward their life process. Now, very important topic after aapka food chain is your food web. Now, aap sabne ek spider ka web dekha hoga. It has lots of interconnection present hota hai. Ek thread of web jo hai, wo dusre web se thread se connected hoga. Ek second thread will be connected to the third, fourth, and so on. So, same way mein, humare environment mein bhi, jo bahut sare food chains, when they are interconnected, it is known as a food web. Now, this shows that ki jo food chains hai, wo interdependent hai ek dusre pe. Now, how is this food web helpful, or why is this food web important to us? As you can see in the diagram also, see, humare paas producer hai as grass. Now, grass is consumed by three different organisms, aapka rabbit, mouse, and grasshopper. Now, this grasshopper can not only be consumed by the frog, the grasshopper can also be consumed by a bird also, and can also be consumed by a frog also. Mouse can also be consumed by an owl, can also be consumed by a hawk, and can also be consumed by a fox. Aisa nahi hai ki mouse ke liye sirf ek hi predator hai. He has lots of predators or lots of consumers who can feed on him. So this is how these organisms, they occupy, same organism can occupy different positions in different food chains, and that is why they are all interdependent on one another. Now, if for example, mouse ka population khatam ho gaya ek jagah pe, ab owl, fox, in sab ke liye to problem occur ho jayegi, then how will they consume food? They might die because of the extinction of mouse. But no, that's not the case. Since humare paas food web hai and humare organisms ek dusre par interdependent hai, so the organisms will move on to eat another type of consumer which is present or available for them. Yahan pe jaise for example rabbit. So the fox can depend on consume rabbit, and your hawk can also consume rabbit. So that's why food webs are so important. What are the characteristics of food web? Abhi maine aapko wahi bataya that they are never straight. Aapne dekha diagram mein, all lots of branches are going here and there. So food web is not like your food chain which goes straight. It is interlinking of different types of food chain. Now food web provides an alternative pathway. Abhi jaise ki maine aapko bataya that for example, due to some reason, if a particular type of species of organism is extinct, so jo organism us pe depend karta tha for their food, if it is extinct, so ultimately that organism will also be extinct. But that's not the case. Hamare environment mein food web present hai, but different alternatives are given to the organisms as a matter of to consume their food. And also, since different alternatives present hai, ye humare ecosystem mein stability increase karta hai. Aisa nahi hai ki agar ek type of organism extinct ho gaya, to usse related food chain mein jitne bhi organisms honge, higher organisms, wo survive nahi kar payenge. They will survive because of the presence of the food web. Now, the next important topic is your ecological pyramid. Now, as you have seen in your energy law, where I've showed you a pyramid. So, in our ecosystem, there are three types of pyramids. Now, what do these pyramids do? They give you a graphical representation to show the number of organisms that are present in the environment, the biomass of the organism, and the energy which is being transferred from one level of the tropic level to the other level of the tropic level is graphically represented by these pyramids. Now here you can see in the diagram also, I've shown you first is your pyramid of number. Now we will take an example of grass, rabbit, and fox. Now since the number of grass
is more, so that's why it occupies more space in your pyramid. Next, the number of rabbit compared to your grass is lesser, so it occupies a little less space in your number of pyramid. Then we have fox. Fox is far less than your rabbit and very less than your grass, so they occupy a very little place in your number of pyramid. Now same goes for biomass. Now what is biomass? Biomass is the mass of the organism. So grass, since it is present in large quantity, so that is why it occupies larger area in the in the pyramid of biomass. Same goes for rabbit and same goes for your fox also, depending upon the number of organisms and depends your biomass. Now pyramid of energy, as we all said or see, that the amount of energy is a maximum in your lower level. That is where grass has the maximum energy and it occupies the maximum space, and then your rabbit gets the less amount of energy, and then your fox gets even lesser amount of energy. This is the definition I'm giving you for types of ecological pyramid. Pyramid of number, it indicates the number of individuals at different tropic level. Pyramid of biomass, it indicates the biomass of members at the different level of tropic levels. And pyramid of energy, it indicates the amount of energy at different tropic levels. Now, a very interesting thing about aquatic ecosystem. Now, as we have seen that all the pyramids, they were upright. The bottom one had the larger area and so on, it kept on decreasing. But case of aquatic ecosystem, the pyramid of biomass is inverted. Why is the pyramid of biomass inverted? You can see in the diagram also. Now you can see that the producers that are present in the aquatic ecosystem are phytoplankton. Now the number of, or we can say the phytoplankton is huge, but their mass is very small because they're very small in size. Now these phytoplanktons, they're consumed by the zooplankton. Now the zooplanktons, their mass is also very small, but compared to the producers, their mass is more. Then we have primary carnivore, or we can say small fishes, which feed on the zooplankton. Then their biomass is greater than your zooplanktons. And then we have large fishes. You must have seen in the large fishes how heavy they are, so that's why their biomass is a maximum. So inverted pyramid of biomass is only present in your aquatic ecosystem. It's a very special feature about the aquatic ecosystem. Now, as I told you that we'll be discussing the components of ecosystem, and we'll be discussing about all the components, how they are affecting, how they are interrelated with one another, how they are affecting each other. So this part is now being covered, and the next part which I told you was that how we as humans are impacting the environment. So the first thing is biological magnification, or it is also known as biomagnification. Now biomagnification is made up of two words, that is biological and magnification. What is magnification? Increasing of something. So now what happens, as we have seen, that the food chain travels in different tropic levels. Now say for example, if at the lowest tropic level there is some addition due to some reason of some harmful chemicals. So for example, pesticides. Agar aapke crops mein pesticides add kiye gaye, ab aapke crop mein for example agar 1000 pesticide add kiya gaya, to aapka jo next tropic level hai usme 10,000 ho jayega. Fir jaise hi aap dusre tropic level pe jayenge usme wo aapka 100,000 ho jayega, and so on, it will keep on increasing. Yahan par jo aapka law of energy tha, jahan par energy was decreasing, but when it comes to accumulation of harmful substances, to wo tropic level by tropic level wo increase karta rehta hai. I'll show you with a diagram. See here, what's happening? Say for example, water. Water mein agar DDT ka concentration aaya. What is DDT? It's a type of pesticide. Water mein uska concentration aaya, for example, 1. Phir wahan se phytoplankton, since they are present in water, so they will also have it in their body. So wahan par uska amount kitna increase ho gaya? 1000 increase hua. Then the zooplankton consumed it, wahan pe wo 10,000 increase ho gaya. And then the small fishes consumed it, wo aur 100,000 times
इंक्रीज हो गया. नाउ हियर आल्सो यू कैन सी, फिर वही फिश को हम ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा वो बायो एक्यूमुलेट हुआ, उसका बायो मैग्निफिकेशन हुआ, और जब हम ह्यूमन उसे कंज्यूम करते हैं तो हम कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वो केमिकल को हमारे फूड में इंक्लूड कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन लेयर डिप्लीशन. नाउ व्हाट इज ओजोन? आपने आपके स्मॉलर क्लासेस में ओजोन के बारे में पढ़ा होगा, दैट इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड आवर एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, कवरिंग द होल अर्थ, एंड इट इज प्रोटेक्टिव एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज व्हिच आर बीइंग गिवन आउट बाय द सन. हाँ, यूवी रेज क्या है? दे आर वेरी हार्मफुल. अगर वो डायरेक्टली हम पर आते विदाउट द ओजोन लेयर, देन इट वुड हैव बीन वेरी हार्मफुल फॉर अस. वी वुड हैव गॉट एन नंबर ऑफ डिसीजेस, जैसे ह्यूमंस में तो ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, म्यूटेशन हो सकता है, एंड आपके नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. सो दैट्स वाई ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ. नाउ इन द ईयर इन 1985 ओजोन लेयर की थिकनेस में डिप्लीशन देखा गया था, वेयर? ओवर अंटार्कटिका. सॉरी व्हाट डिड वी मैम, सॉ? यस मैम, ओजोन लेयर की के बारे में आप बता रहे थे, और लेकिन टाइम अब और हमें इजाज़त नहीं दे रहा, तो हमें आपको बीच में रोकना पड़ेगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, और हमारे बच्चों के लिए भी, कि हम फिर एक और सेशन में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. लेकिन अभी आपने जितना भी समझाया वो बहुत अच्छा समझाया, आपने टाइम निकाला हमारे बच्चों के लिए, सेशन के लिए. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू. तो इसी के साथ अभी के लिए इस सेशन में तो इतना ही, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिए, और जो भी आज आपको चैप्टर बताया समझाया गया है उसको पॉइंट वाइज नोट करिए और अपने नोट्स बना के खुद स्टडी करिए. नमस्कार.